बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है नरगिसी कबाब। नरगिसी कबाब बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। इसमें शामिल कर रहे हैं 1/4 कप चने की दाल, बॉईल करके पीस ली है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें प्याज या सब्ज प्याज, 2 टेबलस्पून फाइन चॉप टमाटो, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप सब्ज मिर्चें, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप सब्ज धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इस सारे मेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, मेज़ा रेडी हो गया है। फर्दर इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हार्ड बॉइल्ड एग्स चाहिए 3, 1 अंडा चाहिए कोटिंग के लिए, ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तो उसके अंदर पूरा पूरा अंडा डालते हैं, लेकिन ये कबाब हैं तो इसके अंदर अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ में बनाने हैं तो अंडे के 2 हिस्से कर लें, और अगर दरमियाने से साइज़ में बनाने हैं तो अंडे के 3 हिस्से कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको शेप दे। ये देखें, ऐसे तमाम कबाब जो उनको शेप कर लेंगे। कबाबों को शेप दे लिए, अब इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल को हीट अप कर लिए। अब ये कबाब को डिप करेंगे एग में। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं, किचन टॉवल पे निकाल लिया है सबको। एक कबाब आपको काट के भी दिखा देती हूँ।